जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब ज़िदनी इल्मा, रब यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व अमलन मुतकब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी बच्चों, कल तक के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्यूरी है, कोई मुश्किल पेश आई है तो पूछ सकते हैं। नहीं, ये जो इस वक्त 4-5-6 सवाल करवा रहा हूँ इस टॉपिक के, ये नहीं है, बाकी तकरीबन सारे बुक के अंदर अवेलेबल है। आखिरी चैप्टर देखें, बुक्स अवेलेबल है। हाँ, CMA और R1 दोनों मेरी अपनी बुक्स हैं। चैप्टर नंबर 17 है विदाउट आंसर्स, क्वेश्चंस विदाउट आंसर्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो क्लास में करवा रहा हूँ वो बुक के अंदर अवेलेबल हैं। दूसरे नंबर पे PDF आप लोगों के पास आ जाएगा, जो सी चीज़ क्लास में करवाई जाए। अब आपने साथ साथ नोटिंग भी कोशिश करनी है करने की, कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी मज़ीद बेहतर हो सके। जी ग्रुप में ड्राइव का लिंक भी लगवा दें जनाब। बेटा ड्राइव का लिंक ऐड अप कर दे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट कैप इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी। बाबूजी एंड को प्रोड्यूसर्स आ प्रोडक्ट क्यू विच रिक्वायर 40 kg एट द रेट ऑफ 70 पर kg इंपोर्ट प्राइस है। 15% कस्टम ड्यूटी इज चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ सच मटेरियल। एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज 15% ऑफ मटेरियल। आगे लिखा जी मटेरियल यूज का मतलब क्या है, क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर्स 16 लेबर आवर्स एट द रेट ऑफ 24 पर घंटा। एक्सपेक्टेड आइडल टाइम इज 11% ऑफ वर्कड आवर्स। इसकी बात हम बाद में करेंगे कि ये इसका क्या क्या कुछ मतलब है। वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 50 रुपये घंटा, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 60 रुपये घंटा। हमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट मालूम करनी है कि हमें ये चीज़ कितने में पड़ रही है या पड़ेगी। सारा मैथ है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसके अंदर, वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं। तीन चीज़ें होती हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ओवरहेड में वेरिएबल और फिक्स दोनों होते हैं। मटेरियल, लेबर, ये दोनों वेरिएबल होते हैं। यूनिट्स बढ़ने से बढ़ेंगे, यूनिट्स कम होने से कम होंगे, ठीक। तो इनको जो वेरिएबल होते हैं, जो तीन हैं, मटेरियल, एक मटेरियल है ये, इसको भी डायरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, डायरेक्ट मटेरियल, और ये वेरिएबल होता है। मैं शॉर्ट वर्ड्स लिख दूं, आज तो मसला नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओ सही वाला लिखा जाओ भाई, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, ये दोनों क्या है, वेरिएबल खर्चे हैं। यूनिट्स बढ़ने से बढ़ेंगे, यूनिट्स कम होने से कम होंगे। इसके अलावा एक और खर्चा भी है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ये डायरेक्ट एक्सपेंस वेरी रेयर क्वेश्चन में आते हैं, बहुत कम होते। क्या है, मिसाल क्या है, बाज़ औक़ात एक बंदा
ऑर्डर देता है हमें कुछ ऐसा जो कि से हमारे पास मशीन उसकी नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, मशीन खरीदने की बजाय हम रेंट पर मशीन ले लेते हैं। या जैसे आपने कहा होगा, देखा होगा, एक हॉल है शादी हॉल, उसका जनरेटर से ख़राब हो गया, अपना जनरेटर ख़राब हो गया, तो वो क्या करेगा, नया जनरेटर ले लेगा या एक दो दिनों के लिए क्या कर लेगा, रेंट पर ले लेगा। तो अब ये जो रेंट पर एक चीज ले लेता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ये क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। बात समझ लग गई, ये क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने मिसाल दी है आपको रेंट ऑफ मशीन की। डायरेक्ट मटेरियल जो सी चीज आप बना रहे हैं, लेबर जो बंदा इसको बना रहा है वो डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल की मिसाल मैं दे चुका हूँ, जैसे ग्रीस होती है, जैसे ऑयलिंग करनी होती है। इनडायरेक्ट लेबर सुपरवाइजर, फैक्ट्री का हेड, आपका क्या नाम है, स्टोर कीपर्स वगैरह, ये सारे बंदे क्या हैं, जो फैक्ट्री में तो मौजूद हैं, किरदार अदा कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली बना नहीं रहे, तो ये है इनडायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी खर्चे हैं बाकी के, वो क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये हो गई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हैं आपके खर्चे। और ये डायरेक्ट वाले खर्चे होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स। ले जी, अब हमने बनाना है एक्सपेक्टेड कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल के बारे में क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड का मतलब फिनिश गुड का पार्ट, कितना बनेगा, 40 केजी, इन 50 केजी हो सकता है, 10 केजी लॉस हो और नेट में कितना हो रहा हो, 40। अब हमने लिख लिया यहां पर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में हमने लिखा कि 40 केजी है और हमने फार्मूला अब जज करना है कौन से वाला लगेगा, लॉसेज एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट या लॉसेज एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट। लॉसेज है ना, यूज का मतलब इनपुट, वो याद करना पड़ेंगे ना, चीजें याद करनी पड़ेंगी, परेशान नहीं होना, जो सी चीजें पढ़ाई हैं वो याद रखनी हैं। क्या बताया था, इनपुट और यूज का मतलब एक ही है, तो आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला पिक करना, रिक्वायर्ड 40 तकसीम 1 माइनस जो रेट दिया हुआ है वो लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहां पर करते हुए, काम भी करते हुए, स्टार्ट में खास तौर पे करते हुए ये काम करें कि आप अपना फार्मूला लिखें, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट का पार्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये वाला लगना है यहां पर फार्मूला। तो आपने कहा 40 केजी है डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेट कितना, ये लॉसेस का रेट ये दिया हुआ है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, कस्टम ड्यूटी के रेट को चेंज कर देता हूं, 17% कर देता हूं, नो टेंशन। इस तरह की चीजें मैं, जो चीजें कंफ्यूज करें, मैं उनको क्या कर देता होता हूं, क्लास में ही चेंज कर देता हूं कि कल को कंफ्यूजन ना हो। ये चीज मैंने तब सोची थी जब मैं खुद पढ़ने गया सीए के अंदर, तो एक टीचर थे, उन्होंने क्या किया, एक वैल्यू थी 80 रुपए, उसको 50-50 कर दिया। मैं जैसे मैं वेरिएबल और फिक्स का बता रहा हूं, 50% वेरिएबल, 50% फिक्स, तो 40-40 हो गया। बंदा फिर परेशान कि कौन सी चीज किधर जा रही है आगे। तो अगर कहीं पर भी क्लास के अंदर कोई कंफ्यूजन की क्रिएशन हो रही हो, 50-50 तो मैंने असूल बना लिया, नहीं कभी मैंने लेना 60-40, 30-70 कुछ भी कर लो। यहां पे कंफ्यूजन आपको आ रही थी, मैंने क्या कहा, चेंज कर दो, ताकि फ्यूचर में जब भी आप देखें तो क्या हो, ये ना पता मसला पड़ रहा हो कि ये 17%, ये 15% कौन सा और ये 15% कौन सा। तो ये कर दिया मैंने 17%, ये क्या कर दिया मैंने
15%। अगर कभी आपको भी ऐसा महसूस हो कि क्वेश्चन ऐसे चल पड़ा है तो बता दें सर जी, कन्फ्यूजन दूर करवा दें, ठीक है। तो हम उस चीज़ के अंदर मैं बिल्कुल भी ज़रा सा भी नहीं वो करूँगा, मैं फौरी तौर पर क्या करूँगा, क्वेश्चन चेंज कर दूँगा। कस्टम ड्यूटी को मैंने 17% कर दिया, 15% लॉस है, 1 माइनस 0.15 कितना क्वांटिटी बन गई, 47.06 क्वांटिटी इनटू रेट हमारा बेस है 47.06 मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास गिवन है 70 रुपये, 3294। ये अब हमने दिया है उस सप्लायर को जो बाहर बैठा हुआ है, किसको, उस सप्लायर को जो बाहर बैठा हुआ है। नेक्स्ट आती है यहां पर जोन सी भी वैल्यू आई है उसके ऊपर 17% कस्टम ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी हो सकती है, यहां पर सेल्स टैक्स नॉन रिफंडेबल हो सकता है, क्या हो सकता है, सेल्स टैक्स नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, नॉन रिफंडेबल खर्चे कॉस्ट का पार्ट होते हैं। IAS 16 पढ़ा होगा ना, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, उसके अंदर क्या होता है, नहीं पढ़ा होगा, मजबूरी, आप थोड़ी थोड़ी सी बातें जो है ना बिल्कुल ही वो हो रही है। आपने एक छोटा सा काम करना है, क्लास के बाद मुझसे मिलना है, ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ना पढ़ें आप, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल एक महीने में ग्राफ पहुँच जाएगा, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी डबल बाकियों से, क्योंकि चीज़ों को आपने कन्वर्ट करना है, आपने AFC किया हुआ है, R1 भी नहीं पढ़ा हुआ, CMA भी नहीं पढ़ा हुआ, ऐसे ही है ना, ओ जी यार बगैर पढ़े अटैम्प्ट हुआ है की गल हुई, फिर भी मार्क्स आ गए होंगे, पंजी आ गए होंगे, 17 मेरा अंदाजा चेक करने जरा, वो मैथ शैथ तो बंदा कर कुछ लेता, कुछ ना कुछ तो लिख लुख लेता है, तो हमने पढ़ के पास करना है, बगैर पढ़े के जाएंगे तो काम बहुत गड़बड़ होगा। तो आपने क्लास के बाद मुझसे मिलना है, फिर आपको कुछ टिप्स दूंगा इंशाल्लाह। ले जी कहानी यहां पर आ गई, हमारी नॉन रिफंडेबल चीज एड अप हो जाएगी, तो कस्टम ड्यूटी इज ऑलवेज नॉन रिफंडेबल, तो 17% हम जो सी चीज कैलकुलेट हुई है उसका क्या ले लेंगे, 17% कस्टम ड्यूटी 3294 मल्टीप्लाई बाय 17%, जो सी चीज बाहर से इंपोर्ट की है जितने की इंपोर्ट प्राइस होगी उसके ऊपर क्या लग जाएगी, कस्टम वाले कस्टम ड्यूटी लगा देंगे 560। ये अब आपके पास कस्टम ड्यूटी आ गई, अब आप मुझे ये बताएं मटेरियल की वैल्यू टोटल कितने की मुझे पड़ी, थ्री एट फाइव फोर, ये टोटल कॉस्ट पड़ रही है। ये एक तरीका कार है, एक दूसरा तरीका कार आपको समझाया था कल मैंने, उसी एप्लीकेशन सिखाने लगा हूं, एक फार्मूला सिखाया था आफ्टर इंक्रीज का सिखाया था, ये वाली वैल्यू है जो बिफोर इंक्रीज है, ठीक, इसी के ऊपर 17% लग रहा है, तो मैं यहां से डायरेक्टली जंप इन भी कर सकता हूं, जस्ट समझा रहा हूं, अगर कभी आज ऐसे करना नहीं है, आपने ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूं, जस्ट नॉलेज आपको एप्लीकेशन मुख्तलिफ जगह की एप्लीकेशन बता रहा हूं कि 3294 आफ्टर इंक्रीज के हिसाब से कुछ ऐसे भी आ सकता है, आफ्टर इंक्रीज बिफोर इंक्रीज इनटू 1+ रेट। अब ये जनरल चीज मैंने बोली थी 3294 1+0.17, चूंकि बढ़ रही है ना चीज, एड अप हो रहा है, 3854 ही आंसर आना चाहिए, ठीक है।
ये समझाने का मकसद ये है कि जी आगे जाके मैंने कुछ और समझाना है। सारी क्लास है क्लास। हाँ हाँ बिल्कुल है, भेजे क्यों नहीं, क्यों लेट क्यों है ये जी? टाइमिंग चेंज हो गई है, 12:15 हो गई, इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्यों इन्फॉर्म नहीं किया भाई? मुझे तो मैम नहीं कहा, तो मैं खुद पता होना चाहिए, मैम ने बताया ना बनाए बताए तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा जी चले, नुकसान कोई नहीं हुआ जी आपका, टेंशन नहीं लेना। तो ये क्या चीज़ आ गई, कस्टम ड्यूटी आ गई, क्वेश्चन चेंज हो गया, आपने सीखा हुआ है। 3854 ये मटेरियल आपका आ गया, 3854 का टोटल कॉस्ट आ गई। आगे आती है बात लेबर की, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर्स 16 लेबर आर, रिक्वायर का मतलब फिनिश गुड बनाने में 16 घंटे लगने हैं। जैसे लॉस होता है केजी वगैरह में, उस तरीके से लेबर के लॉस को क्या बोलते हैं, आइडल, वेले बैठना, आइडल टाइम। 11% ऑफ वर्कड आवर्स। अब यहां पर दो बातें और, दो किस्म के आवर्स होंगे, एक होगा लेबर आवर पेड और एक होगा लेबर आर वर्क्ड। ये मुकाबले पर आएगा जो आपने इनपुट पढ़ा है। मैं फार्मूले 2, 2, 3, 3 नहीं करवा रहा, जस्ट लॉजिक बता रहा हूं कि कौन सी चीज किसके मुकाबले पर आएगी, और लेबर आर वर्क्ड आएगा मुकाबले पर किसके आउटपुट, वर्क जितना घंटे वो काम करेगा वही काम किसमें कन्वर्ट होगा, आउटपुट। और वेला बैठेगा यशी करेगा, लाइट चली गई 2 घंटे वेला बैठा है, लेबर का तो भी कसूर नहीं, पैसे तो उसने पूरे लेने हैं, लेकिन काम कितने घंटे, 2 घंटे काम हो गया, मशीन बंद हो गई, ब्रेकडाउन हो गई, काम कम हो जाएगा लेकिन पेमेंट पूरी होगी। चाय आ गई, चाय का वक्फा हो गया, लेबर ने पैसे तो उस घंटे के भी लेने हैं, आधा घंटा 15 मिनट जो उसने रिलैक्स किया लेकिन काम नहीं किया, तो क्या है, आइडल आवर्स। ठीक है जी, अब आप बताएं आर वर्ग लिखा हुआ है किसकी परसेंटेज बनेगी, आउटपुट वाली, फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा। अब आप फार्मूला लिखेंगे अगर नए नए हैं तो, अगर पुराने पुराने हैं तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, उसकी एप्लीकेशन कर देंगे, सोचेंगे कौन सा फार्मूला लगना है। लेबर आर रिक्वायर्ड कितने हैं जी, 16 घंटे, तो 16 घंटे आउटपुट वाला फार्मूला क्या था, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट इनटू 1+R, ये वाला फार्मूला था जो यहां पर लगना है। 16 लेबर आर, उसके अंदर सही नहीं आता, 16 लेबर आर इंटू 1+0.11 कितने घंटे काम करेंगे, 17.76 घंटे, और रेट हमारा क्या है, क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है 24 रुपए घंटा। नेक्स्ट क्या चीज है, आंसर 426। ठीक, ये क्या आ गया हमारे पास, डायरेक्ट लेबर। अगर हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाए तो वो भी हम इसके बाद लिख लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे नहीं किसी और तरीके से आएगा, यस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आ जाए तो आप यहां पे लिख लेंगे। वैसे कोई ये तरतीब लाजमी नहीं है, दिल करे तो ओवरहेड पहले कर दो, लेबर बाद में कर दो, मटेरियल बाद एंड पर कर लो, इट्स योर चॉइस। लेकिन चूंकि हम पढ़ते नॉर्मल इसी तरतीब से हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और
डायरेक्ट एक्सपेंसेस फिर वेरिएबल एफओएच फिर फिक्स एफओएच, तो हमारी एक तरतीब बन जाती है, एक फॉर्मेट सेट हो जाता है काम करने का। क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट उसका कुछ भी बात नहीं की। वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 50 रुपए घंटा। अब यहां पर मेरे पास दो किस्म के घंटे मौजूद हैं, ये हैं लेबर आर पेड, ये हैं लेबर आर वर्क्ड। डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्क, पी स्टैंड फॉर पेड। अब जरा आप लोगों ने मुझे बताना है कि मशीन बंद हो गई, रिपेयर वर्क शुरू हो गया, क्या बिजली खर्च होगी? बोले क्या हुआ है? उतनी नहीं होगी जो मशीन चलाने पे, असल में तो खर्च किस पे होनी है? मशीन्स के ऊपर ही खर्च होनी है। इस क्लास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल और एसी के बिल में क्या होगा? जमीन आसमान का फर्क होगा ना। वो घंटे में पता नहीं क्या कंज्यूम कर जाएगा, और ये तो एसी बंद हो जाए तो खर्चा क्या हो जाएगा? काफी कम हो जाएगा, ठीक। मशीन चल ही नहीं रही, ओवरहेड नहीं लगेगा, लॉजिक। इस वजह से वेरिएबल एफओएच जो हैं ये बेस करते हैं लेबर आर वर्क्ड पे। ओवरहेड्स जितने भी हों किस पर बेस करते हैं? लेबर आर वर्क पे बेस करते हैं, पेड़ पे बेस नहीं करते। तो लेबर आर वर्क्ड इनटू रेट हमेशा आपका पूरे सीएमए में जो आएगा वो लेबर आर वर्क्ड आएगा, ठीक है। लॉजिक पता चल गई, आगे बढ़े। लेबर आर वर्क कितने हैं फिर क्वेश्चन में? 16 घंटे, 16 लेबर आर। क्वेश्चन से हम देखेंगे रेट्स इसके, वेरिएबल का रेट है 50, फिक्स का रेट है 60, 50 60 पर लेबर आर। ये पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसलन इसका लिंक कहीं से भी किया जा सकता है, अगर आपको कहा जाता 50 रुपए पर केजी ऑफ मटेरियल, लिंक क्या हो जाना था? चेंज हो जाना था। फिर मुझे एब्जॉर्प्शन किस बेसिस पे करनी थी? ढूंढना था केजी को, ठीक है। केजी के अंदर एक ये केजी और एक ये केजी, डिपेंड करता है वो कौन से केजी दे रहा है। अगर लिखा होता 50 रुपए पर रिक्वायर्ड केजी, इधर लिंकिंग हो जाती। अगर कह देता 50 रुपए पर केजी ऑफ इनपुट, यहां पे लिख देते, ठीक है, पास में लगी एक लिंकिंग है। जैसे भी कह देगा हमने वैसे एग्जामिनर के मुताबिक चल पड़ना। तो ये पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू सी। नॉर्मली लेबर आर होते हैं, ज्यादातर लेबर आर की बेस के ऊपर होती है। चलें 16 580 800, चलो भाई ये दरमियान में आ गए हो, 16 6 96 960 टोटल कॉस्ट 3854 प्लस 426 प्लस 800 प्लस 960 6040। देख लेना 6040, ये हमारी क्या आ गई? टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गई। अगली कहानी आसान है कि 7000 रुपये पर यूनिट है, 25% मार्कअप बोला हुआ है। कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट, कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट गैप एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 7000 पर यूनिट है और मार्कअप का फार्मूला है, मार्कअप का फार्मूला आप लिखेंगे चुप करके। मार्कअप कॉस्ट के ऊपर बेस होगा, कॉस्ट में मल्टीप्लाई होगा, दूसरी साइड सेल जाएगी, 1 प्लस रेट। हमारे पास सेल प्राइस है और हमने कॉस्ट मालूम करनी है, तो सेल प्राइस को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस रेट से। सेल प्राइस है 7000 डिवाइड बाय 1.25, 1 प्लस रेट 50 600। कॉस्ट गैप
ये है बनना चाहिए थी इतने में, और इतने में बन रही है। तो गैप मौजूद है 5600 टारगेट कॉस्ट है और 6040 मारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, तो 440 का क्या है, गैप दूर करना है। ठीक है जी, गैप दूर करने के मुख्तलिफ तरीके हल्के फुल्के से कल डिस्कस हुए थे और वो हमें पता है क्या है। यहां से कोई भी चीज पिक करके गैप दूर हो सकता है, वो कह सकता है मटेरियल के अंदर डिस्काउंट ले लो सप्लायर्स, वो कह सकता है अपने इस वेस्टेजेस को दूर कर लो, वो कह सकता है कि लेबर की आइडल को दूर कर लो, वो कह सकता है कि लेबर के रेट को कर लो, वो कह सकता है इसको कंट्रोल कर लो, इसको कंट्रोल कर लो, किसी भी चीज को कंट्रोल करने का कह सकता है कि फलानी चीज को कंट्रोल करेंगे तो हम क्या किस तरीके से क्या वैल्यू होगी क्या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझे कहता है कि वेरिएबल एफ ओ एच को मैंने कंट्रोल करना है, क्या करना है, क्या रेट होगा कि ये मेरे कंट्रोल हो जाए, किस रेट के ऊपर होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वर्किंग बनाऊंगा, मैं इस एरिया को पिक करूंगा, सर क्या करूंगा, गैप को दूर करना है, मीन मेरा ये चर्चा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो गैप दूर हो जाएगा। तो मैंने उसने कहा कि इसको इसको पिक करो और इस पे काम करो बस, तो जैसे एग्जामिनर बोलेगा हमने उस पे काम करना है। अगर वो वेरिएबल एफ ओ एच के ऊपर कहता है कि जनाब मुझे बताओ क्या लेबर रेट दूं, क्या लेबर रेट होगा पर घंटा कि आपका ये कॉस्ट गैप क्या हो जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाए। डिफरेंस कितना आया 440 का। तो अगर मैंने मटेरियल के जरिए या मैंने किसी भी चीज के जरिए मैंने कॉस्ट गैप दूर करना है, व्हाट रेट ऑफ वेरिएबल एफ ओ एच शुड बी टू रिड्यूस द कॉस्ट गैप, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटी सी वर्किंग बनाऊंगा, मैं कहूंगा एग्जिस्टिंग में क्या है, एग्जिस्टिंग वेरिएबल एफ ओ एच किस क्या क्वांटिटी है क्या नहीं है, मैं यहां से पिक करूंगा 16 लेबर आर इंटू 50 800, 16 लेबर आर इंटू 50 इज इक्वल टू 800, ये मेरी एग्जिस्टिंग सिचुएशन। मैं क्या करूंगा, मैं चुप करके ये जो गैप है इसमें से लेस कर दूंगा, गैप दूर हो जाएगा, 440 गैप को उठाया और लेस कर दिया, मेरा खर्चा कितना हो जाए कि आपका गैप दूर हो जाए, अगर मेरा 360 का खर्चा होगा तो ये गैप खत्म हो जाए। अब घंटे तो चेंज हो नहीं रहे, रेट के बारे में कहा गया, तो घंटे यहीं पे लिख देंगे 16 लेबर आर और यहां पर एक रेट निकाल दें, क्या करेंगे 360 रुपये तीन 16 कर दें, आंसर आ गया 22.5। व्हाट इज दिस, ये वो रेट आ गया कि अगर ये रेट होगा तो मेरा गैप खत्म, क्योंकि 360 का खर्चा आ जाएगा किसकी जगह पर, 800 की जगह पे 360 कर दें तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वही 5600 आ जाएगी। ठीक, दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट वे आउट टू डील कॉस्ट गैप। और अगर पेपर में आता है तो अक्सर छोटे छोटे सी आती है, 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स का ये सवाल आता है, कोई और किसी और टॉपिक के साथ मर्ज होता है अक्सर सवाल, और दरमियान में ये छोटी मोटी सी चीजें इस तरह की परसेंटेज कभी कुछ इस तरीके की चीज दे देता है। और ये जो हम मस्तियां सीख रहे हैं इंक्रीज डिक्रीज की या लॉसेस की, ये तो पूरे सीएमए के अंदर घुसी हुई है, ये तो डिसीजन मेकिंग करना हो उसमें है, कोई भी चैप्टर इससे खाली नहीं मिलेगा। तो ये तो एक जनरल चीज़ है सीएमए के लिए, गो केस टॉपिक में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है।
ठीक, यहां से हम लर्न करते हैं और पूरे सीएमए में फिर एंजॉय करते हैं इन चीजों थ्रू आउट सीएमए। चले अब असल चीज पे आ जाए, मटेरियल क्या होगा, रेट ऑफ मटेरियल क्या होगा टू रिड्यूस द कॉस्ट गैप। क्या मटेरियल का रेट हो कि कॉस्ट गैप क्या हो जाए, दूर हो जाए। अब यहां पर दो चीजें हैं, क्या हैं, दो चीजें हैं यहां पर, मटेरियल की कॉस्ट टोटल कितनी है वो ये है, ठीक। कस्टम ड्यूटी भी दरमियान में इनबिल्ट हुई है और रेट लेना है हमने यहां से, क्या लिया हमने, सप्लायर से डिस्काउंट लेना अल्टरनेट मेजर्स में, हमें यही वाली चीज डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट लेंगे वो पूछ सकता है। तो हम यहां से इस एरिया पूरे को पिक करेंगे एग्जिस्टिंग सूरत हाल को, ये कह दीजिए 47.06, क्योंकि हमें ये नहीं कहा कि जी आप किसके ऊपर काम करें, लॉसेस के ऊपर काम करें, तो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है वो क्या है 47.06 के जी है मल्टीप्लाई बाय 70, ये सिचुएशन एग्जिस्टिंग है, कितनी आ गई 3294। लेकिन एक प्रॉब्लम है, दरमियान में एक कस्टम ड्यूटी एडेड है इस वैल्यू के ऊपर। जस्ट मुझे एक बात बताइएगा, अगर ये रेट कम होगा ये भी कम होगी, ये कम होगी तो कस्टम ड्यूटी भी कम होगी, ठीक। तो असल में अब यहां से कितनी वैल्यू लेस करनी है वो हमने देखना, तो उसमें यहां पर हमारा वी वाला किरदार अदा करेगा फार्मूला आफ्टर इंक्रीज वाला इज इक्वल टू बिफोर इंक्रीज इनटू 1+ रेट। ये कैलकुलेट करना सिखाया था ना थोड़ी देर पहले आपको, कस्टम ड्यूटी ऐड करके डायरेक्टली भी जंप इन किया था, क्यों जी किधर गया, डायरेक्टली जंप इन करना ये सिखाया था। अब आप क्या, कॉस्ट गैप कितना टोटल 440। अगर मैं 100 रुपए कम सप्लायर से कम करता हूं तो एक्चुअल में 100 कम हो जाएगा या 117 कम हो जाएगा, 117 कम हो जाएगा, क्योंकि 17 तो क्या है कस्टम ड्यूटी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर कस्टम ड्यूटी और ये देखेंगे कि मुझे रेट क्या लेना है, आफ्टर इंक्रीज 440 होना चाहिए जो मुझे कॉस्ट गैप दूर करना है, इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी 1+ कस्टम ड्यूटी का रेट, और देखें कि मुझे सप्लायर से क्या डिस्काउंट है। तो हम क्या कहेंगे 440 तकसीम 1.17 बिफोर इंक्रीज क्या हो जाएगा 376। चलें पॉइंट्स को वैसे मार दिया करें गोली, इतनी 376 रुपए का क्या करना है हमें डिस्काउंट लेना है। अगर डिस्काउंट पूछ लेगा कितना डिस्काउंट लेना है सप्लायर से, तो टोटल डिस्काउंट 376 का लेना है। अब ये पिक करेंगे, ये आ गया जे, और ये लेस कर देंगे यहां से जो आपको रिड्यूस करना है, आपकी रिवाइज वैल्यू सप्लायर के साथ की आ जाएगी 2918। रेट के ऊपर काम करना है, केजी चेंज नहीं हो रहे, आपका रेट निकल कर आ जाएगा 62 रुपीस। दिस इज द थिंग, ये वो है जो काम हमें करना होता है, मैथ है, क्या है मैथ है, यस ये देख रहे हैं कौन सी चीज कहां पर कैसे कैसे शामिल है।
ठीक है जी, लॉजिक समझ लग गई, मुश्किल तो नहीं है ना। चलें आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, फिर किसी पास पेपर के ऊपर भागने की कोशिश करेंगे। ले जी एक ऊपर वाला सवाल जो था वो भी पहले देख बताएं, डिस्काउंट कितना लेना है सप्लायर से? 376। और सवाल क्या है? डिस्काउंट पर केजी, तो 376 हमने डिस्काउंट लेना है। डिस्काउंट टोटल आएगा 376 पर केजी करना होगा, तो डिवाइड कैसे कर देंगे केजी से? केजी कितने हमारे पास? 47.06। सेवन पॉइंट नाइन नाइन पर केजी या 8 रुपए पर केजी का क्या करेंगे हम डिस्काउंट ले रहे होंगे। वैसे भी आया है ये नया रेट और पुराने रेट में फर्क क्या है? ठीक है डिस्काउंट है, तो एक ही चीज के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप यहां से यही वाले तरीके कार से दोनों का डिफरेंस लेके भी क्या कर सकते हैं पर केजी डिस्काउंट बता सकते हैं, भैया 8 रुपए का डिस्काउंट है पर केजी। ठीक है, लाए एक ही तरीका नहीं है, मैं था जितो मर्जी खिंच के ले आओ, आंसर सही निकलना चाहिए। ये आर यहां पर भी है और ये दूसरा तरीका था आर का निकालना यहां पर भी है। अब तो स्पीडीली कर लेंगे ना ये वाला काम। कर लेंगे, शुरू करें, यहां पे अटकेंगे वहां पे करवाऊंगा। आसान काम करते जाते हैं। नया सवाल है, पुरानी नहीं है। नहीं नहीं, और भी चेंजेस करते हैं, चेंजेस किए हैं, नया सवाल है, थोड़ा सा और कर देते हैं। ये ले, उफ उफ, ठीक है उनको ले, थोड़ा सा और कैसे बड़ा करूँ इसको। अच्छा जी, एक और साइंस लगा के कर देते हैं। ए ए ए ए ए ए ए हम यहाँ पर जाके हम लें जी, अभी तो आप लोगों ने इतना ही काम कर।
नाम भी चेंज कर देते हैं। आसान सवाल है, मुश्किल तो नहीं है यार। फॉर्मेट्स में पुट करना है आप लोगों ने, साथ साथ ये सीखना है फॉर्मेट्स किस सवाल के लिए कौन सा फॉर्मेट होना है। पेपर में ये बैठे ना सोच रहे हो क्या मैं सवाल को स्टार्ट करूं तो कैसे करूं, आधी से ज्यादा दुनिया की प्रॉब्लम सीएमए में ये है सवाल स्टार्ट करूं तो कैसे करूं। हाँ जी स्टार्ट करना है जैसे मैं करवा रहा हूं, एक्सपेक्टेड गोस बनानी है आपने, पहले नंबर पर उतना ही डाटा शो कर रहा हूँ। अभी दो चीज़ें आपने बनानी है, मटेरियल और लेबर, बस। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ी, रिक्वायरमेंट ये देखें क्या है, कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट। अब आपने ये वाला काम करना है, आपको पता है एक्सपेक्टेड कॉस्ट में क्या कुछ आता है, मटीरियल लेबर और ओवरहेड्स। चुप करके फॉर्मेट बनाएं, सबसे राइट साइड पर पेज के राइट साइड पे एक कॉलम ड्रॉ करें जिसमें रुपीज लिखने हैं और लेफ्ट साइड पर आपने वर्किंग कर देनी है। पुत्र जी लाइना विच दरमियान दे विच रखनिया ने, मटीरियल लेबर और ओवरहेड जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर तीन तीन चार चार लाइंस खाली होनी चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं क्योंकि नहीं पता पेपर में आसान क्या होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज ये है कि जो सी चीज आसान है वो पहले करनी है, जो सी चीज मुश्किल है वो बाद में करनी है। मटीरियल आसान है पहले मटीरियल करना है, लेबर आसान है पहले लेबर करनी है, ओवरहेड आसान है पहले ओवरहेड करना है, लेकिन फॉर्मेट एक पहले से ड्रॉ होना चाहिए। क्लास की टाइमिंग क्या है भाई, 11:45 कितने बजे तक? 1 बजे तक है, ठीक है। आप लोगों की 1 बजे आगे भी कोई क्लास शुरू होती है? चलें शुरू करें जी, क्योंकि आपने तो बहुत टाइम लगा देना है, ऐसे तो क्लास के अंदर ख़त्म भी नहीं कर पाऊंगा मैं। ईच यूनिट ऑफ डब्ल्यू रिक्वायर्स अ रॉ मटेरियल ऑफ 60 kg पर यूनिट। रिक्वायर्ड का मतलब फिनिश वुड का पार्ट, तो क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा भाई। 60 kg पर यूनिट, 4 रुपये रेट है। लॉस का रेट 8% ऑफ परचेज मटीरियल, परचेज मटीरियल का मतलब इनपुट बन जाएगा। चलें करते हैं फिर, सबसे पहले क्या करना है आपने, चलें मैं भी फॉर्मेट नहीं ड्रा करता, आपने पेपर में क्या करना है ऐसे एक रुपीज़ का कॉलम बनाना है
और फिर क्या लिखना है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। काम शुरू किया आपने डायरेक्ट मटेरियल का। मैंने पहले बोला था यू कैन यूज द शॉर्ट वर्ड्स, कोई मसला नहीं है, पेपर मुकम्मल होना चाहिए आपका। डायरेक्ट मटेरियल मुझे पता चल गया, फार्मूला कौन सा लगेगा, इनपुट वाला, तो 60 केजी तकसीम 1 माइनस 0.08। अब डायरेक्टली अप्लाई करें, 60 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.08 65.22 केजी, मल्टीप्लाई बाय रेट है हमारा 4 260.88 को मैंने 261 लिख दिया। ठीक, यहां पे राउंड ऑफ नहीं करना, यहां पे क्या कर लो, कर लो। ये मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर पर आए। डायरेक्ट लेबर्स आर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मींस आउटपुट का पार्ट, इतने घंटे काम करोगे तो प्रोडक्ट बनेगी। रेट है 6 रुपए, एक्सपेक्टेड डायल टाइम इज 15%, क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या कर लो, इनपुट की ले लो, इनपुट का फार्मूला ले लो। तो इनपुट का फार्मूला यही वाला, 16 केजी था 16 लेबर आवर्स 1 माइनस 0.15 था। मैंने पूछा जुबानी 12 जी, बताएं जी, 14.11 लेबर आर, के जी नहीं लेबर आर, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट लाजमी लिखा करें। और रेट है इसका 6 रुपए घंटा, राउंड करके 85 आ गया। अब आपके पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, क्या वाला, ये कौन से हैं, लेबर आर पेड, और ये कौन से हैं, लेबर आर वर्क। दो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, एफ एच किसकी बेसिस पे जाएंगे, वर्क की बेसिस पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा कोई और चीज़ तो नहीं दी हुई, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, 40 रुपए पर यूनिट है, मीन्स कोई काम नहीं करना, और ये काम भी आप रुपीस पर यूनिट ही बना रहे हैं। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट क्या कर लेंगे, यहीं पर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40 रुपए पर यूनिट लिख देंगे। नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में भी आपने क्या करना है, लेबर आर वर्ड की बेसिस पर, लेबर आर वर्ड की बेसिस पर, अगर अगर ये बेस लेबर आर पर कर रहे हैं, मैंने बताया केजी पे भी बेस कर सकते हैं, किसी और पर भी बेस कर सकते हैं, देखना है क्वेश्चन में कैसे बेस कर रहे हैं। कहता है फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फॉर द लास्ट 4 महीने, पिछले 4 महीने की एक लिस्ट दे दी उसने। ठीक, आगे कहता है बजटेड लेबर आर आर एस्टिमेटेड एट 5000 लेबर आर फॉर द पीरियड। अब लिंकिंग कॉस्ट की किसके साथ किया उसने, लेबर आर के साथ, लेकिन हमें रेट नहीं दिए, ना वेरिएबल का रेट है ना फिक्स का रेट। तो एक काम तो हम आराम से कर सकते हैं, वो है लेबर आर वर्ड आराम से लिख सकते हैं, जो कि क्या है 12 लेबर आर्स मल्टीप्लाई बाय रेट की कहानी बात की है। यह पेपर करने का तरीका का। अब यहीं पर आपको एक और बात बताने लगा, पेपर में अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये रेट कैसे निकल आएगा इस डेटे से, तो क्या सवाल यहीं भी छोड़ दिया जाए, चुप करके दो रेट्स क्या कर दोगे आप, एज्यूम कर दोगे, साथ लिख दोगे एज्यूम, क्या कर दोगे, यहां पे क्या लिख दोगे, कोई भी रेट, और क्या लिख देंगे एज्यूम।
अब क्वेश्चन में जो मार्क्स आपके हैं इन रेट्स को निकालेंगे, सिर्फ ये कटेंगे, इससे अगले जितने भी स्टेप होने हैं, कॉस्ट गैप निकालना है, टारगेट कॉस्ट वगैरह निकालनी है, बाकी सारे कामों के मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, पेपर पास करने के लिए सारी कैलकुलेशंस आना जरूरी नहीं है, लेकिन सारा क्वेश्चन मार्क्स निचोड़ना जरूरी है जो आता है। और वो कब आएगा? जब आप फॉर्मेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉर्मेट बनाएंगे कि मुझे करना क्या है, जो रिक्वायर्ड है मुझे वो चीज बनानी है, लिख दी। अब चीजें दरमियान में कोई चीज नहीं आती है, चुप करके अजम्पशन लो और क्वेश्चन को क्या कराओ, आगे चलाओ। समटाइम्स ऐसा भी पेपर में हो जाता है कि आपने अजम्पशन ले ली, बाद में याद, ओ यस यार ये तो ऐसे होना था, याद आ गया। अब सारा सवाल कर चुके हैं, वो एंड पे याद आया। अब क्या करें? बच्चे क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, नंबर वन काटा फेरते हैं, नंबर दो, अब ये चीज कैलकुलेट हो के ड्रिल डाउन हो के पता नहीं कहाँ कहाँ पर वर्किंग गई है, हर एक चीज को काटते हैं। हर एक चीज को काटने से एक तो टाइम कंज्यूम होता है, दूसरे साल फिर भी सही नहीं होता। तो ऐसा काम कभी भी नहीं करना। सारा सवाल कर दिए और सारा प्रोसीजर्स कर दिए हैं, आपको बाद में समझ आई कि ये कैसे निकलना था। तो अब हम ये देखने लगे हैं कैसे निकलना था, और बाद में बताऊंगा कि बाद में क्या करना। कहते हैं तो मैं सवाल अज्यूम करके सॉल्व कर दूंगा और फिर बता दूंगा कैसे करना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कर दें सवाल को अज्यूम करके सॉल्व कर दें, फिर उससे एग्जामिनेशन टेक्निक भी तो सीखनी है ना साथ ही, कि कैसे करना है। फंस गए हैं पेपर में, कैसे करना है? बच्चे इतने परेशान होते हैं इस चीज के, वो डील नहीं कर पाते। तो यहां पर मैं जस्ट वैसे लिखने लगा हूं एक चीज कि यहां पर मैंने लेट्स सी अज्यूम्ड कर लिया एनीथिंग, मैं अभी कर नहीं रहा ताकि क्वेश्चन गलत ना हो जाए, मैं सिखाऊंगा क्या चीज करनी है, लेकिन जोन सी भी चीज की है ये आगे ड्रिल डाउन होके चली गई है, बाद में कैसे चेंज करना है मैं बस वो बता दूंगा। चलें जी, अब हमारे पास डाटा है, यहां पर फिक्स एफओएच की कॉस्ट दी हुई है। एफओएच की कॉस्ट पे दो चीजें शामिल है, फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी। फिक्स कॉस्ट यूनिट्स के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं होती, और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने या कम होने से चेंज होती है। तो आपने क्या करना है, आपने एक फार्मूला लिखना है और वो है हाई लो मेथड का फार्मूला। हाई लो मेथड, इससे मालूम क्या होगा? क्या होगा बेटा? स्क्रीन को गायब नहीं है, क्या है जी? आपने देखना है एक चीज, हाईएस्ट लेवल, या हाईएस्ट लेवल यूनिट्स में भी गिवन हो सकता है, लेबर आवर में भी गिवन हो सकता है, मशीन आवर में भी गिवन हो सकता है, इसलिए मैंने जस्ट नाम रखा है लेवल, माइनस लोएस्ट लेवल। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लिंकिंग किससे? लेबर आर से। अब इनमें से हाईएस्ट कौन से है, लोएस्ट कौन से? हाईएस्ट कौन सा है? 4500। और लोएस्ट कौन सा है? आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, ये हाईएस्ट ये लोएस्ट। इनके सामने वाली कॉस्ट पिक करनी है, और ये वाला आएगा यहां पर आएगी थी कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल। ठीक, अब ये काम क्या करेगा, कैसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे पहुंचेगा? क्या फिक्स कॉस्ट हर लेवल पर सेम है? अच्छा, अगर यहां पर फिक्स कॉस्ट 100 है तो वो यहां पर भी फिक्स कॉस्ट 100 है, टोटल कॉस्ट में शामिल होगी, 100 में से 100 गए, फिनिश, फिक्स कॉस्ट खत्म,
बच कौन सी जाएगी? ओनली वेरिएबल बच जाएगी. 100 में से 100 गए कितना हो गए? 0. ठीक. मसलन मैं यहां पर शामिल कर दूं वेरिएबल कॉस्ट 500 और यहां पर वेरिएबल कॉस्ट शामिल कर दूं 300, तो एंड पर बच कौन सा जाएगा? 100 में से गया, 500 में से 300 गया, तो बच जाएगा 200. 200 होगा इन यूनिट्स के डिफरेंस की कॉस्ट. ठीक. चलें करते हैं, फार्मूला लगाते हैं क्वेश्चन का. कॉस्ट पिक की हमने कितनी? 38,000 हाईएस्ट लेवल पर, और उस पर यूनिट्स हैं 4500. 38,000 हाईएस्ट लेवल पर यूनिट्स हैं 4500 माइनस 25,000 3,000 पे. तो ये जो कॉस्ट निकल आएगी, 1500 यूनिट्स की कॉस्ट निकल आएगी कितनी? 13,000. 13,000 कॉस्ट निकली है 1500 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट, और आंसर क्या आया? 8.67 पर यूनिट. ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है. अब हमारे पास एक रेट निकल कर आ गया, पर यूनिट भी नहीं है. ये मैंने गलत लिख दिया. मैंने कहा था यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये क्या है? लेबर आवर्स. तो ये पर क्या होगा? पर लेबर आर. अगली चीज है जी, चलें चलें 5-7 मिनटों में कम से कम हम ये तो दौड़ा लेंगे ना. अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पर यूनिट नहीं, क्या आया? वेरिएबल कॉस्ट पर लेबर आर आई है. अब जो ही ये चीज निकल आई है, आपने वेट नहीं करना कि फिक्स कॉस्ट निकल आए, आपने इसको तो उठाना है और लेकर क्या कर देना है? 8.67. अब मैंने आपको बताना था, आपने सवाल अगर कर दिया हुआ है तो फिर क्या करना? सवाल हो गया, वैल्यूज निकल चुकी हुई हैं, फिर आपने जस्ट यहां पर एक लगाना है स्टार, स्टार वन, और यहां पर लेकर जाना है स्टार वन, और साथ लिख देना है इट्स एक्चुअल रेट इज दिस. कहानी खत्म. आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. इस स्टेप के भी मार्क्स जो मिसिंग थे वो भी मिल जाएंगे. चले बहरहाल, अब तो 8.67 सही वाली आ गई, 100 के करीब आ जाएगा आंसर. 104.04 हो गई. अगली चीज फिक्स्ड FOH. अब हमारे पास यहां पर दो लेवल हैं. क्या है? दो लेवल हैं. अगर मैं यहां पर देखूं तो ये मेरे पास सारी कॉस्ट है, यहां पर मेरे पास यूनिट्स भी हैं. अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं टोटल कॉस्ट में से, तो मेरे पास फिक्स्ड बच जाएगा. तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे टोटल फिक्स्ड, टोटल FOH माइनस वेरिएबल FOH. ये फार्मूले के जरिए हम ले लेंगे. एक लेवल है ये 38,000, ये टोटल कॉस्ट ले ली, और ये हमारे पास आर्स हैं 4500 लेबर आर हैं, और रेट हमारे पास आ गया वो 8.67 पर लेबर आर. तुम्हारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी. वन जीरो वन फाइव फिक्स कॉस्ट आ गई. यही चीज आप इन दो के जरिए भी कर सकते हैं. मसलन 25,000 कॉस्ट है,
माइनस इसमें यूनिट्स हैं 3000 वेरिएबल कॉस्ट, 3000 लेबर आर इन टू 8.67 पर लेबर आर, यहाँ से भी सेम आंसर आएगा, तो जिससे मर्जी कर लें, चॉइस इज योर्स। ये फार्मूला लिखने की जरूरत पेपर में नहीं है, जस्ट डायरेक्टली अप्लाई करें। अब अगली कहानी, रेट तो अभी भी नहीं निकला, हमारे पास क्या आई है, फिक्स्ड कॉस्ट आई है। तो एक रेट निकालने का तरीका कार है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्ब करने का तरीका कार, उसका फार्मूला है बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। बजटेड एक्टिविटी इस वक्त लेबर आवर्स हैं, हमने 1015 फिक्स कॉस्ट तो मालूम कर ली है, बजटेड लेबर आर क्वेश्चन से पूछेंगे भाई क्वेश्चन तुम ही बताओ कितने हैं, तो उसने बताया हुआ बजटेड लेबर आवर्स कितने हैं, 5000 घंटे हैं, तो हम इसकी बेसिस के ऊपर रेट निकाल लेंगे, कितना आया 0.203 तो नहीं बस, अच्छा 20 ठीक है 0.20 बस ठीक है पर लेबर आर, ये रेट निकल आया, ये उठाएंगे यहाँ पर से लिखेंगे इसको पी है, यहाँ पर लेकर जाएंगे 0.2 पी है, 12 × 24 2.4 ऐसे ही है, और अब आप क्या कर देंगे टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। चार सौ बानवे इशारिया चार, 492.4 या 492, ये हमारी क्या आ गई एक्सपेक्टेड कॉस्ट। हमारा ये है 600 रुपए का, टारगेट प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट, तो मार्कअप का फार्मूला होगा, टारगेट कॉस्ट मालूम करेंगे हम। सर ये रेट का नाम क्या लिखा, क्या ये ऊपर रेट का नाम क्या लिखा, हाँ ये मैं बता देता हूँ दोबारा से, ये ज़रा डिटेल में बता देता हूँ, इसको बोलते हैं ओवर हेड एब्जॉर्प्शन रेट, इसको बोलते हैं प्री डिटरमिंड रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो टारगेट कॉस्ट मालूम करनी है, मार्कअप का फार्मूला लगाना है, फार्मूला सी इंटू 1+R, दूसरी साइड पर S, हमारे पास सेल मौजूद है, कॉस्ट मालूम करनी है, 600 गालबन सेल थी, ऐसे ही है 600 सेल थी, 25% ऑफ कॉस्ट है, तो डिवाइडेड बाय 1.25 ये आंसर आ जाएगा, यानी 400 कितना 480 480 टारगेट कॉस्ट है, हम बना कितने में रहे हैं 492 मीन्स 12 रुपए का शॉर्ट अगर कर लें तो हमारे का आ जाएगा कॉस्ट गैप दूर हो जाएगा, कॉस्ट गैप आ गया 492 माइनस 480 12 रुपए का कॉस्ट गैप। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जस्ट एक लिख लगाऊं कि अगर हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कम हो टारगेट कॉस्ट से तो फिर कोई कॉस्ट गैप होगा ही
नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो सेल प्राइस होती 550 और मार्कअप वही होता, रेट होता 25% ऑन कॉस्ट, तो फिर मेरी कॉस्ट कितनी आती 550 तकसीम 1.25 440। हमारी टारगेट कॉस्ट होती 440, देख लें उल्टा कर दिया फिर मैंने, कॉस्ट क्या तो अभी है ना, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ज़्यादा है, सेल प्राइस बढ़ानी थी कम कर दी है, 700 होती। पाँच सौ साठ टारगेट कॉस्ट है, 560 में बनना चाहिए है और हम बना रहे हैं 492 में, तो फिर यहाँ पर कोई कॉस्ट गैप नहीं है, 560 में बनना चाहिए और हम बना रहे हैं 492 में, तो ऑलरेडी क्या है हमारी टारगेट कॉस्ट बड़ी है एक्सपेक्टेड कॉस्ट से, लिहाजा नो कॉस्ट गैप हम ऑलरेडी कम में बना रहे हैं, कोई कॉस्ट गैप नहीं है। लें जी आज के लिए इतना ही होमवर्क, हमारा ये टॉपिक है इस वक्त टारगेट कॉस्टिंग का, स्टडी टेक्स की एग्जाम्पल हैं, मेरी बुक का स्टाइल ये है सबसे पहले नोट्स होते हैं, फिर स्टडी टेक्स की एग्जाम्पल्स हैं, फिर पास पेपर, ये पीडीएफ में, ये पी यस कल तक तो नहीं था आपने शेयर किया, मैंने तो कल भी शेयर कर दिया था, वो लिंक नहीं पहुंचा होगा भाई यूट्यूब पे, क्यों नहीं डिस्क्रिप्शन में गया, तो भाई आपने चेक करना है ना कि किया उन्होंने काम सही कि नहीं किया, मैं भी सुबह गया के लिए हूं, मेरा कर दे ये टीम, हां ये टीम मतलब ये देखिए ड्राइव का लिंक कहना चाहिए पीडीएफ पड़े अच्छा वो आपने प्लेलिस्ट कर दी शामिल को भी लेते थे लिंक दिया होगा PR1 के और बेटा जी ये पोस्ट में तो नहीं सारा लगा देना, पोस्ट के लिए मैंने तो लादा लिंक दी है आपको सर, वो IT के पास मेरे पास जनाब किसने लेने हैं, मैंने तो उस दिन बोला था उससे ले लो, आपको बोल के क्या था मैं कि उससे ले लो, चलो ठीक है मैं भी ले लूँ, बोला था ना ये फ्री में पोस्ट में।